Hey guys, welcome back to my channel. किद्दा सारे सो फेस्टिव सीजन स्टार्ट हो चुका है ना। और बींग एन इंडियन गर्ल हमें सबसे ज्यादा फेस्टिव सीजन का वेट इसलिए होता है क्योंकि हम ट्रेडिशनल पहनते हैं, अच्छा सा फुल फेस मेकअप करते हैं एंड ट्रेडिशनल ज्वेलरी पहनते हैं। मैंने भी फेस्टिव लुक करने स्टार्ट कर दिया। एंड यू नो, जितना अच्छे से मेकअप करना जरूरी होता है उतना ही अच्छे से उसको रिमूव करना भी जरूरी होता है स्किन को हेल्थी रखने के लिए, क्योंकि मेकअप अगर अच्छे से रिमूव नहीं होगा तो पिंपल्स होते हैं हमारी स्किन पे, मेकअप रह जाएगा तो हमारी स्किन पे रिंकल्स पड़ते हैं, हमारी स्किन ड्राई आउट होना शुरू हो जाती है, ब्रेकआउट्स होते हैं, काफी कुछ हो जाता है। तो मेकअप को रिमूव करना अच्छे से भी उतना ही इंपॉर्टेंट है। सो टुडे आई हैव अ न्यूली लॉन्च्ड क्लींजिंग बाम फ्रॉम हर कोई ब्रांड। आपने नाम तो सुना ही होगा, स्पेशली मेरे से काफी नाम सुना क्योंकि मुझे हर कोई के ऑलरेडी प्रोडक्ट्स काफी अच्छे लगते हैं। लाइक उनकी मिनरल सनस्क्रीन है, जो टिंटेड सनस्क्रीन मुझे काफी अच्छी लगती है, उनके जो लिपस्टिक टिंट है मुझे काफी अच्छे लगते हैं। अभी रिसेंटली उन्होंने नई क्लींजिंग बाम लॉन्च करी है। तो क्लींजिंग बाम का काम होता है हमारे मेकअप को अच्छे से रिमूव करना, ऑल द डर्ट्स इम्प्योरिटी सबको अच्छे से निकाल देना हमारे फेस। तो इसका आज हम देखेंगे फर्स्ट इम्प्रेशन और साथ में ही मैं आप लोगों को एक छोटा सा रिव्यू भी दूंगी इसका। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं। सो लेट्स स्टार्ट विद द पैकेजिंग। इसकी जो आउटर पैकेजिंग है कुछ ऐसी है, यहाँ पे लिखा हुआ है हर कोई क्लींजिंग बाम और ये क्लेम करता है इंस्टेड ऑफ रबिंग मेल्ट योर मेकअप फ्रॉम योर स्किन, मतलब ये आपकी स्किन पे से मेकअप मेल्ट कर देगा और ये क्लेम करता है कि ये सारा वाटरप्रूफ मेकअप और सब तरीके का मेकअप हटाता है। और मैंने अभी फुल फेस, यू कैन सी फुल फेस हैवी मेकअप कर रखा है और वाटरप्रूफ मेकअप कर रखा है, वाटरप्रूफ मस्कारा। एंड दिस इज द इनर पैकेजिंग, 23 ग्राम का टब है ये। इसका एमआरपी है 499, इन्फ्यूज विद ऑर्गन ऑयल, विटामिन ई, नो हार्श केमिकल, नो एक्टिव्स। और डोंट वरी, आई हैव अ कूपन कोड। आप ये कूपन कोड लगा के आपको 10% एडिशनल डिस्काउंट भी मिल जाएगा हर कोई की वेबसाइट पर इसको पहले चेक करते हैं कैसी है। एंड ऑल्सो गाइज, आपको जरूरी नहीं है कि आप 23 ग्राम ही लेनी, इससे छोटा भी मिलता है, आप वो भी लेके चेकआउट कर सकते हैं, उसके बाद आप बड़े वाला ले लेना, इट्स ओके। लेट्स ओपन इट एंड यूज इट। ओ, इसका प्रोडक्ट भी पिंक कलर का है, सी। ओके, लेट्स चेक द टेक्सचर। इसका टेक्सचर काफी स्मूथ लग रहा है मुझे, काफी क्रीमी सा और स्मूथ सा टेक्सचर है इसका, आई लाइक द टेक्सचर। और इसमें बहुत ही कम फ्रेग्रेंस है। तो चलो मेन काम कर लिया जाए, मेकअप रिमूव वाला। और एज आई टोल्ड कि मैंने ऑलरेडी वाटरप्रूफ मस्कारा लगा रखा है एंड फुल फेस हैवी मेकअप है गाइज। मैंने 500 डॉट फाउंडेशन वाला हैक ट्राई किया था और 500 डॉट फाउंडेशन लाइक काफी सारा फाउंडेशन है। आई एम टेकिंग थोड़ी सी अमाउंट एंड फर्स्टली ओके, इट्स एक्चुअली मेल्टिंग। सी, मुझे रब करना नहीं पड़ रहा है, मेरा मेकअप मेल्ट हो रहा है बहुत इजीली। वेरी स्मूथ एंड बहुत इजीली यूज हो रही है ये। सी, एज आई टोल्ड कि मैंने हर कोई के जितने भी प्रोडक्ट ट्राई किए हैं उनकी सनस्क्रीन, टिंटेड सनस्क्रीन और लिपस्टिक टिंट मुझे काफी अच्छे लगे। इससे मेरी एक्सपेक्टेशन काफी हाई थी एंड मुझे लग रहा है कि मेरी एक्सपेक्टेशन पे बिल्कुल खरी उतरी है ये क्लींजिंग बाम गाइज। इसकी थोड़ी सी अमाउंट ने ना सी कितनी जल्दी मैंने सारा मेकअप रिमूव कर दिया है। एंड ऑल्सो वाटरप्रूफ मस्कारा भी इससे इतनी इजिली निकल रहा है। वाइप किया जाए इसको, मैंने वेट टिश्यू भी नहीं लिया है, नॉर्मल ड्राई टिश्यू है ये। ओ माई गॉड गाइज, लुक एट दिस, इसने वाटरप्रूफ और इतना हैवी मेकअप सारा रिमूव कर दिया है, वाटरप्रूफ मस्कारा भी रिमूव कर दिया है। सी, मैंने इसको जेंटली बस वो जो था ना निकाला है, सिर्फ इसको जेंटली रब करने की तो जरूरत ही नहीं पड़ी, मेकअप अपने आप मेल्ट होता गया इजीली, बहुत इजीली। और इसने मेरी स्किन को ड्राई आउट भी नहीं किया। सो पूरा फेस का मेकअप रिमूव कर दिया जाए क्योंकि मुझे इसको यूज करने में मजा भी बहुत आ रहा है, ये बहुत इजीली मेल्ट कर रहा है मेकअप को, इतना इजीली तो क्लींजिंग ऑयल भी नहीं करता। सो गाइज, आई वॉश्ड माई फेस फर्स्टली विद वॉटर देन वॉटर बेस्ड क्लींजर एंड ये क्लींजिंग बाम टेस्ट में बिल्कुल पास हो गई है। इसको मिलते हैं 10 out of 10 marks, एक्चुअली 10 out of 11, 1 marks एक्स्ट्रा इसलिए कि इसने मेरी स्किन को बिल्कुल भी ड्राई आउट नहीं किया। यू कैन सी मैंने अभी कुछ भी नहीं लगाया है। सी,
मेरी स्किन वैसे ही हेल्थी लग रही है. सो गाइज आई विल हाईली रिकमेंड दिस. इसने मेरे मेकअप को अच्छे से रिमूव कर दिया, इवन वाटरप्रूफ मेकअप, वाटरप्रूफ मस्कारा अच्छे से रिमूव कर दिया है एंड मेरी स्किन एकदम क्लीन हो गई है अच्छे से. सो ब्रेकआउट का तो कोई चांस ही नहीं है अब. अभी पहले मैंने बताया था ना आपको कि इसकी छोटे वाली पैकेजिंग भी आती है, बट आपको ना छोटे वाली क्या ही करोगे गाइज, आपको ट्राई आउट करने की जरूरत नहीं है. ट्रस्ट मी, आप बड़े वाली ही ले लो. एंड मोर अदर प्रोडक्ट्स जो मुझे हर कोई के अच्छे लगते हैं वो भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी और इसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा. सो डेफिनेटली चेक दिस आउट. ऑल्सो अगर आपको ये मिनी रिव्यू अच्छा लगा, डू लाइक दिस वीडियो, कमेंट डाउन आपने हर कोई का कौन सा प्रोडक्ट ट्राई आउट करा है एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल फॉर द अमेजिंग अमेजिंग कॉन्टेंट. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. बाय बाय.